हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रेनूज बुटीक। आज मैं आपको ये ड्रेस बताऊंगी। ये एकदम डिज़ाइनर ड्रेस है और ये पार्टी वेयर ड्रेस है। इसको मैं पूरा मेज़रमेंट आपको बता दूंगी, कटिंग इसका जो ड्राफ्टिंग है वो सारी बताऊंगी मैं आपको। अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इसको फैब्रिक पर भी कट करके दिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद आप मुझे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ड्रेस है ये पूरा फैब्रिक है आगे से, और इसका जो मैंने मेज़रमेंट लिया है वो बाद में लिया है ये सारा। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स नहीं है, ये जैसे ये कपड़ा पूरा सीधा है और इसके अंदर हमने प्लेट्स डाली हैं। इसको कि मैं आपको फैब्रिक पर कटिंग करके बताती हूँ और पूरा मेज़रमेंट बताती हूँ। ये फ्रेंड्स मेरा क्राफ्टिंग पेपर है, मैं इसके ऊपर आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। ये मेरी शॉर्ट मिडी है, जो डिज़ाइन मैंने आपको बताई है ये शॉर्ट मिडी है। इसकी लेंथ मैंने 32 या 31 रखी है, तो जो हमें सीम अनाउंस करना है उसके बाद हमारी ये कम्प्लीट हमारी 30 के आसपास हो जाएगी। तो बहुत शॉर्ट मिडी है ये, और पार्टी वेयर है ये, बहुत स्मार्ट लुक है ये। जब यह मैं आपको पूरा बताती हूँ तब आप देखिएगा। देखिए ये यहाँ से हमने पूरा मेजरमेंट लिया है, हमने ये चेस्ट का फोर पार्ट से ये लिया है। देखिए चेस्ट का फोर पार्ट है ये, और ये हमारा आर्म होल है, ये हमारी नेक है। जो इतना आपको लेना है मेजरमेंट पूरा एक वही है जो हम लेते हैं हमेशा से ही। इसका ये जो है, इसकी जो चौड़ाई है 2.5 इंचज़ है, और इसकी जो लेंथ है हमने 3 इंच रखी है नेक की। इसमें 1/2 इंच की गहराई देके हम इसको राउंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा शोल्डर है, इसको 1/2 इंच इसके अंदर हम गहराई दे देंगे। ये हमारा आर्म होल है, आर्म होल जितना हमारा शोल्डर लेते हैं हम 7 इंच, उतना ही हम लोग उसमें 1/2 इंच प्लस करके आर्म होल लेते हैं। तो आर्म होल हमारा 7.5 है। देखिए अब इसके अंदर 1/2 इंच की गहराई देखिए, हम इसको भी राउंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मेज़रमेंट है जो हमें नॉर्मल रखना है। और ये इसके अंदर मैं अभी आपको बता देती हूँ, इसके अंदर हमने 4 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट करने हैं बराबर के। तो ये इसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट होगा हमारा 4 इंची का, फर्स्ट पार्ट हमारा 4 इंची का होगा इस तरह से। ये भी हमारा 4.5, और इसके 7 इंच नीचे ब्रेस्ट पर हमारा ये भी निशान होगा, ये हमारा हिप्स का निशान होगा। ये मैंने इसके पार्ट्स कर लिए हैं। ये देखिए, ये मेरा मेजरमेंट मैंने कर दिया है पूरा, इसके 1, 2, 3, 4 पार्ट कर दिए हैं। ये मेरा बैक पार्ट है, जो मैंने अभी मिडी बनाई है उसका बैक पार्ट है ये। अभी हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसका भी मेज़रमेंट वही है, इसको हम पहले इसको कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर दिया है, आगे का ये पीछे का पीस है पेपर जो है, और ये आगे का जो मैंने रखा हुआ है पेपर, अब मैं इसको इसके ऊपर रख दिया है क्योंकि सारा मेज़रमेंट वही है। तो इसके साथ हम पूरा मेज़रमेंट ऐसे ही करेंगे इसके ऊपर रख कर। ये पूरा मेज़रमेंट देखिए, ये है मैंने जो साइड का पार्ट था, ये साइड का पार्ट है, ये साइड है ये साइड है। तो ये एक साइड का पार्ट ये है और एक साइड का पार्ट ये है।
तो ये जो हमारा एक साइड है, बैक साइड है, वो मेरा ये पूरा सिंपल है, इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन नहीं है। साइड, एक साइड पार्ट, और ये जो एक पार्ट है इसके ऊपर पूरा डिज़ाइन है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरा शोल्डर है, शोल्डर से हम ये फैब्रिक जो भी जाएगा हमारा, तो ये पूरा जुड़ा हुआ होगा ऐसे। तो ये जो मैंने अमूल बनाया है, तो ये इसकी कोई वो नहीं है, मेज़रमेंट नहीं रखना है कोई ऐसा, बस इतना है कि इसमें सीम अनाउंस करना है, ये हमारा अमूल है बस, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो और हमको यहाँ से 2 इंच की जो ये यहाँ से 2 इंच की गैप से 2 इंच की गैप से हमको यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से, और फिर इसी तरह से हमको यहाँ पर पूरी कटिंग करनी है। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, हमको कटिंग या वार से करेंगे पूरी। बस इस तरह से कटिंग हम करेंगे, ये इस तरह से हमारा ये पेपर रहेगा हमारा। और अब इसके अंदर भी वही करना है हमको, जो पार्ट्स बनाए थे हमने ऊपर से वो करना है। ये हमारा एक साइड का पार्ट है और ये हमारा दूसरे साइड का पार्ट है, इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा, दोनों को मिला के ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा इस तरह से। ये एक साइड का पार्ट का मैंने मेजरमेंट बताया था आपको, तो ये दूसरे साइड का मेजरमेंट है। अब ये एक पार्ट हो गया, अब हम इसको पार्ट्स करेंगे इसके अंदर बराबर के, जो इसके अंदर है वही इसके अंदर करना है। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको, ये देखिए, ये हमारा शोल्डर से चेस्ट तक का पार्ट है, ये चेस्ट तक का, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेस्ट का है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कमर का है, ये पूरा हमारा हिप्स का है। तो ये जो हम ऊपर का पार्ट हम ले रहे हैं, इसका भी एक मेजरमेंट होगा, अब मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, अब ये हमारा यहाँ से हमने शेप दे दिया है इस तरह से, ये हमारी कमर की शेप जा रही है यहाँ से, हमने सब एक सा रखा है। अब ये इसको, ये दोनों पार्ट्स को एक करने के लिए अभी हम पेपर लेंगे, अलग से एक पेपर और लेंगे, कि जो हमने इन दोनों के मेजरमेंट लिए हैं अलग अलग, वो हम अब एक करेंगे एक पेपर पर। अभी हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, ये जो हमने ये जो हमारा इतना मेजरमेंट है यहाँ पूरा, ये पूरा मेजरमेंट हम इस पेपर के ऊपर प्रिंट कर लेंगे इस तरह से। ये नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है एकदम वही एक्यूरेट रख के हम दूसरे फैब्रिक पर अगर कटिंग करेंगे, तो ये हमारा पूरा जितना हमने लिया हुआ है वो पूरा इसके ऊपर हमने प्रिंट मेजरमेंट लेके कर दिया है। तो अब हम किसी और पेपर के फैब्रिक पर रखेंगे, तो ये मेजरमेंट हमारा फाइनल है। तो ये तो आ नहीं पाएगा ये इस तरह से, तो हम इसको हटा के ये जो मेज़रमेंट है इसको जैसे ऐसा कैसा उठा के इधर कर देंगे, क्योंकि वो हमने फैब्रिक बचाया हुआ है तो वो हम लगा नहीं सकते निशान उस पर।
ये ऐसे इसे रख लेना है एकदम दबा के। और ये जो हमारा शोल्डर जो हमने गिराया था, आप इसको कितना भी लंबा ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी भी है। मैंने इसको 6.5 लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैब्रिक जो है 6.5 लिया है, और उसके उसी हिसाब से मैंने नीचे जो लिया है वो एक सा लिया है, 6.5 के हिसाब से लिया है। और ये मैंने जो मेरी कमर में कमर का जो मेरा मेज़रमेंट था वो मैंने कट किया है, और यहाँ से मेरे हिप का जो मेज़रमेंट है वो मैंने कट किया है, ऐसे करके यहाँ से चौड़ा और यहाँ से पतला होता हुआ जाएगा ये डिज़ाइन, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से इसका वहाँ से जो हमारा शोल्डर गिरा हुआ था वो भी मैंने मेज़रमेंट कर लिया है। अब इसको हटा के और जो भी हमारा ये यहाँ पर लाइनिंग लगी हुई थी, अब वो सब जैसा इसके ऊपर है वो सब इसके ऊपर फाइनल करना है। देखिए मैंने कटिंग कर दिया है, जैसे हमने दोनों पार्ट्स को मेजरमेंट करके दोनों को लगा के कटिंग कर दिया है। अब हमारा जो प्लेट्स डालने का काम है, जो ऊपर से शोल्डर से जो हम प्लेट डालते हैं, नेक से 9 इंची पर हमने पॉइंट लगाया है, और ये भी नेक से 9 इंची पर पॉइंट लगाया है। अब ये हम लेंथ सेवन इंची ले लेंगे इसको पूरा, और ये प्लेट हमारी चौड़ी बनेगी इस तरह से। यही हमको इधर करना है, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ये देखिए ये प्लेट्स हमारी लग गई हैं। अब ये मेरा पूरा पार्ट जो ये साइड पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट मेरे पास रखे हुए हैं ये इस तरह से। ये इनका मेज़रमेंट मैंने दोनों का मेज़रमेंट इसके ऊपर कर दिया है, आपको मैंने बता दिया है। अब हम ये यहाँ से शोल्डर से लेके चेस्ट तक अब हम इसको यहाँ से ग्राउंड करेंगे, इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे, और ये हमारा स्ट्रेट रहेगा यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से हम ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक पूरा हमने कटिंग करना है। ये देखिए अब मैंने ये यहाँ से निशान लगा के इसको कट कर लिया है पूरा, अब हमको ये ध्यान रखना है कि अब हम जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये चीज़ ये वाली ये दोनों हमें अटैच करनी है इस तरफ से, क्योंकि दोनों की शेप्स तो एक ही हैं मगर ये यहाँ पे अटैच करनी है हमको, तो इसलिए हमने इसको कट कर लिया है, और हमने जो जो हमारे अंदर ये शेप आ रही थी उसको भी हम कट कर लेंगे। ये जो शेप हमने दी है इसके अंदर ये थोड़ी सी मुड़ी हुई वो नहीं आनी चाहिए। ये देखिए
ये हमने कट कर लिया है ऐसे। अब ये दोनों हमारे ये अलग अलग पार्ट हो गए। अब हम इनको हटा के साइड में रख देंगे। इस पार्ट, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है सेंटर का, इसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे। ये जो हमारा ऊपर से 7 इंची है, ऊपर से जो 7 इंची है, वहाँ से हम यहाँ से ये पूरा यहाँ से हमने कट किया इसको। इसके बाद यहाँ से 7 इंची का जो ये पार्ट जा रहा है, यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। अभी हम इसके 6 पार्ट करेंगे, 6 से 7 पार्ट करेंगे, 1.5 के इससे, इसकी 1.5 के मेजरमेंट से। 2 भी रख सकते हैं आप, सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये हमारे 6-7 हो जाएंगे, जितने आप लेंथ लेना चाहो उतने हो जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम इसको और, मेरा जो पेपर है वो इतना ही है, नहीं तो इसके हम और भी रखेंगे तो दो कटिंग और हो सकती है इसके, अगर आप करना चाहें तो। जितना भी आप ये, जितनी आप यहाँ प्लेट्स लेना चाहें, जैसे कि ये है मेरा, ये देखिए मैंने ये पूरे पार्ट्स कर दिए हैं। ये मेरे ड्रेस जो है, इसके पार्ट्स अभी मैं यहाँ से इस तरह से ये बनेंगे, ये जो है भाई, मैं इसको यहाँ से कट करके आपको बता रही हूँ। ये जो प्लेट्स हैं ये इसी तरह से बनेंगी हैं। ये देखिए मैंने ये सब कटिंग कर दिया है यहाँ से, ये देखिए। अब ये देखो, ये जो हमारी डिज़ाइन है, ये आपको अब समझ में आ रहा है? ये पूरा ये मैंने ऊपर से कट कर दिया है अभी, और उसके बाद अभी ये ऊपर का पार्ट मैंने अलग कर दिया है, और उसके बाद ये जो बीच का जो पार्ट मैंने अभी कटिंग किया था, और ये जो अभी मैंने स्टेप्स कटिंग किए हैं वो इसी की कटिंग किए हैं। ये जो डिज़ाइन जा रही है, ये जो जा रही है, ये स्टेप फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक ये बना हुआ है, ये हमारे जो उसका है ड्राफ्टिंग है हमारी, उसका ही ये पूरा प्लेट्स। अभी मैं आपको और क्लियर करती हूँ। देखिए ये ऊपर का पार्ट है मेरा, ये देखिए ये जो ड्रेस है मेरी, मैंने ये ड्राफ्टिंग जो ये हमारी प्लेट्स हैं वो सारी हमारी इस तरह से आएंगी, और ये हमारा फिर हम यहाँ से जोड़ देंगे, और ये जो ये फैब्रिक पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये जो हम यहाँ इतनी गैप दे रहे हैं ना, ये प्लेट्स हमने कट की है ना, ये 2-2 इंची की ये, और इसके अंदर इस प्लेट के 2-2 इंची के बाद भी हमने इधर 1-1 इंची और छोड़ दिया है इस तरह से। ये टेढ़ा जा रहा है इस तरह से, यूँ मुड़ के जा रहा है एकदम। ये देखिए जैसे ये है ना, इस तरह से जा रहा है साइड से। तो ये हम हमारा जो मेज़रमेंट हमने किया है इसी तरह से किया है कि ये हमारा एक टेढ़ा जाएगा, और ये जितना भी है हमारा, ये हम एक और पेपर के ऊपर, एक पेपर अगर आपकी इच्छा पेपर या फिर फैब्रिक, इस पर फैब्रिक पर पूरा इस तरह से इसको स्टिचिंग कर लो, इस तरह से यहीं की स्टिच कर लो, और उस एक फैब्रिक पर रख के इसका मेज़रमेंट कर लो। ये बिल्कुल फुल मेज़रमेंट है, ये इस तरह से मेज़रमेंट कर लो। तो ये इसके अंदर जो इधर की जो हमारी जो मेज़रमेंट है, इधर का जो है वो ज़्यादा आएगा, इधर का कम आएगा, और यहाँ पर हमारा जो हमने शेप दी है इसकी कमर की वो आएगी। देखिए ये शेप आ रही है कमर की, रुक नहीं रहा है इसलिए फिर मैंने इसको कट रखा है।
इस तरह से कमर की जो शेप आ रही है हमारी, ये शेप आएगी, एक्यूरेट शेप आएगी। लेकिन जो हमने स्टेप्स कटिंग की है, यहाँ पर हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि एक तो हमने स्टेप कटिंग किया है, ऊपर से हमने इसको तिरछा कर दिया है, तो और भी ये एक्स्ट्रा जो ये आ रहा है, ये एक्स्ट्रा हमारा। तो देखिए, ये मेरा बैक साइड है, ये मेरा फ्रंट साइड है। तो फिर हम इसको जब स्टिच करेंगे, तो ये सारी हमारी जो हमारी फैब्रिक है, ये सारी हमारी एक तरफ आ जाएगी, यहाँ पे इधर मिल जाएंगी आपके, क्योंकि ये हमको लेबल में करना है। जब ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा, तो ये हमको लेबल में करना है यहाँ साइड से। तो फिर ये जो हमको जितनी ये एक्स्ट्रा जो हमने ये लिया है कटिंग करके, ये जो यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा फैब्रिक जो हमारा यहाँ से आएगा, वो सारा इधर प्लेट्स में आ जाएगा। ये जो हमने कटिंग की है ना, 5-6 जो है ये प्लेट्स, ये सारा हमारा इस साइड में आ जाएगा। जो ये हमने कट किया है, ये सारा फैब्रिक हमारा इधर अटैच हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर से अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आर्म होल होगा। यहाँ से ये आर्म होल को हम कट नहीं करेंगे, यहाँ से हमारी बाजू आएगी, यहाँ से हमारी दूसरी बाजू। आपकी इच्छा है आप बाजू लगाएं या फिर इसे कट स्लीव्स रखें, आपकी इच्छा है। और लेकिन ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगेगी, और आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है इसके अंदर, और आप कहेंगे तो मैं इसे फैब्रिक में भी कट करके आपको बता दूँगी। और आप मेरे चैनल को देखिए और देखिए, मैं आपको नए डिज़ाइन ला कर दूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें, और थैंक यू।